clap do. Yeah, very good. Yeah. Taliya baja do. Yeah, clap. अशोक जी यहाँ देखिए, हो गया भाई, हो गया, हो गया वीडियो। सबके वली तुमसे आस लगी मेरे मौलाली, तुमसे आस लगी मेरे मौलाली। वली 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 मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली। प्रोजेक्ट के बारे में जो गाने हैं, क्या सिचुएशन है, कितना एंजॉय किया आपने रिकॉर्डिंग में और क्या करते हैं? मैंने जो गाना किया है वो एक सूफियाना गाना है और गाना बहुत सिचुएशनल है और मुझे नवाब राजा जी जो इस फिल्म के कंपोज़र हैं, इस गाने के कंपोज़र हैं, उन्होंने पहले मुझे गाना व्हाट्सएप किया, मुझे भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अरेबिक स्टाइल का सूफियाना गाना, उसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा अरेबिक है और काफ़ी अलग अलग सिचुएशन है हर अंतरे की, तीन अंतरे हैं इसमें और मैंने इसको बहुत शिद्दत के साथ गाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाकर। आई होप जब ये गाना रिलीज़ होगा तो सुनने वालों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे गाने में मज़ा आया। तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स के बारे में बताइए कि जो लिरिक्स है और जो म्यूज़िक है कैसा कॉम्बिनेशन है उसका? बहुत अच्छा तालमेल है। जैसा एक कंपोजिशन की डिमांड होती है या एक फिल्म की डिमांड होती है, सिचुएशन की डिमांड होती है, मुझे पूरी कहानी पता नहीं है इसकी लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सिचुएशनल है और जो कहानी की डिमांड है उस तरह से रदीफ और काफिया जो है वो इस गाने का वो बहुत ही कमाल का है। और मैंने जैसे कि सूफियाना गाने और भी गाए हैं बहुत सारे, लेकिन ये गाना भी एक उन्हीं गानों के साथ में एक शामिल हो जाएगा, एक अच्छे गानों के साथ। जी, हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू रेज हुआ ये कि मतलब जो रियलिटी शोज होते हैं, सिंगिंग के हों, डांसिंग के हों, उसमें जो बच्चे आते हैं वो जो परफॉर्मेंस करते हैं वो बहुत ही कभी कभी वल्गर और चीप हो जाते हैं, तो आप कितने अगेंस्ट हैं क्योंकि आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए इस क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो ये इशू है मुझे लगता है कि मैं भी उसके साथ में पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं वो ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बड़े उनका जो मिजाज होता है वो बहुत ही चंचल होता है और कहीं ना कहीं वल्गर जो चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में एक गलत पैगाम भेज रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बच्चों को बच्चों की तरह ही वो अगर स्टेप्स करें डांस के तो ज़्यादा बेहतर है। सर आप बताइए क्या करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और जो डेप्थ है इस फिल्म में, डेप्थ है मतलब एक आम विषय नहीं है, बहुत ही विषय संवेदनशील है, तो कैसे जुड़े हुए हैं और क्या करेंगे प्रोजेक्ट को लेकर? मेरे बड़े भैयान सिकंदर मिर्जा जी ने जब मुझे बुलाया और चैलेंज ये दिया कि भाई नवाब भाई आपसे पहले मैं 10 लोगों को सुन चुका हूँ, राइटिंग में भी कंपोजिशन में भी, कितना मज़ा आया या नहीं आया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आप अपना क्या जलवा दिखा सकते हो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था
اور میری یہ خوش نصیبی کہ یہ علی مولا علی مجھے ملی اور یہ انشاءاللہ اتہاس رچے. یہ ڈیڑھ سے دو مہینے کی محنت ہے لکھنے کی اور کمپوزیشن جو آج سب لوگ بول رہے ہیں یا جھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2020 کی سپر ہٹ انشاءاللہ قوالی ہوگی, تو ہماری دعائیں بھی ہیں اور ساتھ بھی ہے. تو میں شکر گزار رہوں گا سکندر مرزا صاحب کا, ریحان خان صاحب کا جو فلم کے ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر سکندر مرزا صاحب ہیں, اور جو کمال جو کیا ہے میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی میں جو بھی بولوں گا چھوٹے بھائی میں بولتا ہوں. تو میوزک میں نواب سباب آفتاب, لیرکس میں نے کیا ہے, بھائی نے بخوبی نبھایا ہے. وہ ایک کچی بلڈنگ تھی جو ہم نے تیار کی تھی, اب جو جاوید بھائی نے اپنے سروں کے انمول تال میل میں جو بٹھایا ہے رنگ, وہ جیسے ایک انٹیریئر ہوتا ہے نا, ایک انٹیریئر کچی بلڈنگ کو, پھر اس کو پلستر کیا, پتائی کیا, پھر اس میں ڈیکوریٹ کیا, تو سونے پہ سہاگا. میں مرید ہوں بھائی کا. ارے نہیں نہیں, اور پھر ہے نا دیکھیے, مجھے نا ایک فلیٹ کی یاد آ رہی ہے, ایک بنگلہ یاد آ رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے کہا انٹیریئر کیا اور ہے نا بہت اچھا پینٹ کیا اور پھر رہنے بھی چلے گئے مجھ سے. بہت ہی اچھا آپ کی کمپوزیشن اتنی کمال ہے اور لکھا ہوا. سکندر مرزا جی, آج بڑی خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت بدھائی آپ کو, اور جو ٹائٹل ہے جس پرکار سے دیکھا جا رہا ہے اس میں بہت سارے باتیں آ رہی ہیں, کمل کیچڑ میں کھلتا ہے, جی کیا ہے اس کے پیچھے, اور مہورت آج یہاں پہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری. دھنیواد, تھینک یو ویری مچ. کمل دیکھیے کیچڑ میں ہی کھلتا ہے, لیکن کیچڑ سے نکل کے وہ بھگوان کے چرنوں میں چلا جاتا ہے اور کیچڑ وہیں رہ جاتی ہے. یہ ایک جرنی ہے جس طرح سے ہمارے دیش کے پردھان منتری ماننیہ نریندر مودی جی کی جرنی تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے سماج سے نکلے, محنت کری اور محنت کے بل پہ وہ آج دیش کے پرائم منسٹر ہیں. اسی طرح سے ایک چھوٹے سے سماج سے ہماری لڑکی نکلتی ہے, اور وہ ایسے سماج سے نکلتی ہے جس سماج کی سوچ جو ہے لڑکیوں کے پرتی بہت غلط ہے. جس طرح سے دیش میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ہے, اسی طرح سے کمل جو ہے بچتی بھی ہے پڑھتی بھی ہے اور ہندوستان کی ایک اتنی بڑی سیلیبریٹیز بنتی ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے دیش کے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی بنے ہیں. وہی جرنی ہے ہماری کمل کی, یہ ہے ہمارا کانسیپٹ. ریحان جی, آپ سے کیا کہنا چاہیں گے اس فلم کو لے کر, کتنے اتساہت ہیں اور کلاکاروں کے بارے میں بتائیے کہ کتنا تک چینج کیا ہے اور سارے نئے ہیں کہ نہیں؟ کلاکاروں کی مارکیٹ بات چل رہی ہے, ٹھیک رہے, اور نیکسٹ ویک تک ان شاء اللہ فائنل ہو جائے گا. اور بہت ہم لوگوں نے اسکرپٹ کے اوپر محنت کی ہے, میوزک کے اوپر کی ہے, چھ گانے اس فلم کے اندر اور میوزیکل لو اسٹوری. الگ اس میں یہ کہ یہ ریئلسٹک بیس کنسیپٹ ہے, اٹس اے کمل, اٹس اے ریئلسٹک بیس آف اے جرنی آف بریو گرل, ایک بہادر لڑکی کی ریئلسٹک جو جرنی ہے, جیسے بائیپک چل رہی ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اسے ایک بائیپک. اس کے اوپر ہم نے بہت دو سال سے ہم لوگ نے محنت کیا ہے, سکندر بھائی نے محنت کیا ہے, ہمارے جو رائٹر بنو شرما جی نے محنت کی, ہم نے دو سال ریسرچ کیا اس کے, ویسے ایک ایسا گاؤں ہے انہوں نے جا کے وہاں ریسرچ کیا. آج بھی اس گاؤں میں بچی پیدا ہوتی ہے, لوگ اپنے بچے کو سگے ماں باپ اس کو بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ریئل کنسیپٹ, ریئل کنسیپٹ پر ہم لوگ فلم بنا رہے ہیں, کوئی کالپنک نہیں. تو فیمیل اورینٹڈ فلم بنانا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں, کیونکہ کافی ساری فلمیں بن رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں, تو آج کے دور میں اس طرح کی جو فلمیں بنانا کتنا آوشیک ہے؟ دیکھو, فیمیل اور میل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا, کنسیپٹ ایکچولی کنسیپٹ چلتا ہے. ہم نے کنسیپٹ پہ بہت محنت کی اور اس کا یونیک کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے, جو فلم میں ہم لوگ کوئی کالپنک فلم نہیں بنا, ریئل کنسیپٹ, ریئل کے اوپر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. سر آپ بتائیے کیا کرنا چاہیں گے, کیسے ہیروئن ہیں اس فلم کا, جو کہانی ہے. دیکھیے, جیسے ابھی سکندر صاحب نے کہا کہ جرنی ہے, بیسیکلی جرنی ہی ہے کہ ایک لڑکی جو کیچڑ سے نکل کر آسمان کی اونچائیوں کو چھوتی ہے, اور اس آسمان کی اونچائیوں کو چھونے کے اندر جو اس کو پرابلمس آتی ہیں, جو ہرڈلس آتے ہیں, ان ہرڈل سے کیسے باہر نکلتی ہے, وہ کھیل ہے کمل کا. اور بس یہی کہوں گا کہ باقی تو آپ جب دیکھیں گے تو مزہ آئے گا, کیونکہ ساری چیزیں اگر ہم ڈیٹیل میں بتا دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. بس کمل کی کہانی یہی ہے کہ کمل کیچڑ سے کھیلتا ہے. کیسے بھی جاتی بات سے کچھ نہیں, اس طرح کا کوئی ایسا نہیں کہ کسی جاتی پر یا کسی دھرم پر یا کسی وشیش سمودائے پر کچھ کہا گیا. ایک کہانی ہے, آپ کو پتا ہوگا ایم پی کے پاس بھی ایک چھوٹا سا ولیج ہے جہاں سے ہم لوگوں نے ریسرچ کیا ہے, وہاں پہ لڑکیوں کو کس طریقے سے بیچا جاتا ہے, خود ان کے پیرنٹس کیسے بیچتے ہیں, ان ساری چیزوں کو لے کے ایک تانا بانا بنا گیا, ایک کہانی بنی گئی, اور اس کے بعد ریزلٹس تو سامنے آئیں گے جب آپ فلم دیکھیں گے. ریحان, آپ سے جاننا چاہیں گے تھوڑا پوسٹر کے بارے میں بتائیں, کچھ دیکھیے کیا ہے کہ یہ جو کیچڑ جو ہے
उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो लड़की है वो एक बहुत मुसीबत में फंस जाती है, और इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि देखिए लड़कियों को हमेशा जो होता है दबाया जाता है। दबने की बात अब नहीं है, अब डट के मुकाबला करने की बात है, क्योंकि देखिए दबा करके कोई भी चीज़ ज़्यादा दबने से चींटी भी काट लेती है। यहाँ पर वो एक मजबूरी में होती है, उस मजबूरी के तहत वो कीचड़ उसका साथ देती है और उस कीचड़ में वो छुपती है, और कीचड़ में छुपने के बाद वो उससे निकलती है और निकल के वो फाइट करती है उन देश के लोगों से जिनकी सोच जो है बड़ी छोटी है, और अपनी सोच को लोग बड़ा रखें इसके लिए वो आवाज़ उठाती है और वो कहती है सबका साथ है सबका विकास है। किसी पार्टी को पर्टिकुलर पुश करने के लिए इस प्रकार का ये बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमल हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है, वो एक छोटे समाज में पैदा होती है, उसका नाम कमला रखते हैं, कमला से वो कमल बन जाती है जब बड़े शहर में आती है, और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज बनती है। जैसा कि हमने बताया आपको, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही छोटी सी मेहनत करके और आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक फैक्ट है जिसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमारी लड़की है जो बहुत छोटे से समाज से निकलती है, बचती है, लोगों से लड़ती है, लोगों की भावनाओं से, जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो लोगों की नज़रें उन पर गलत जाती हैं, उन गलत नज़रों को पॉजिटिव करती है, वो कहती है मुझे बहन की तरह भी आप देख सकते हो, मुझे आप एक माँ की तरह भी देख सकते हो। रूप देखने के होते, क्योंकि लड़कियों में क्या होता है, एक बड़ी अच्छी ऊपर वाले ने खासियत दी है, वो इंसान की नज़र से पहचान जाती हैं कि इंसान उससे क्या चाहता है। तो कमल एक ऐसी लड़की है जो निडर है, बहादुर है, ईमानदार है, वफादार है, देश के प्रति अच्छी है, देश की सभ्यता को लेकर चलती है, देश के संस्कार को लेकर चलती है, अपने संस्कार को लेकर चलती है, हर चीज़ कमल में मौजूद है। और ऑर्डिनरी पीपल रीड हिस्ट्री, क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री। नॉर्मल आदमी किताबें पढ़ते हैं और जो क्रेजी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, तो कमल जो है वो क्रेजी है और वो इतिहास बनाती है। दो चार बड़े आर्टिस्ट से बात चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल होगा आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। शूटिंग का विद इन अ टू मंथ वी विल ऑन फ्लोर इंशाल्लाह। शुरुआत में आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी के लाइफ हिस्ट्री से मतलब मेल खाती है, क्या करते हैं कि आप कितने हमने एक एग्जांपल दिया है, आप कितने प्रेरित हैं उनका जो सफर रहा और जितना कामयाबी हासिल किया उन्होंने, और जो मैं बहुत मैं इम्प्रेस हूँ उनसे। आज देखिए उन्होंने देश के अंदर हर चीज़ सिस्टमेटिक कर दी है, लोग कहने को तो क्या है, सबको कहें कुछ भी कहें, लेकिन आज देखिए ना जो चीज़ें हैं, आज 4,000 करोड़ जो है मदरसों का उन्होंने कर दिया है, 1,000 करोड़ बढ़ा दिया है, हर चीज़ को सिस्टम में ला दिया है, तो सिस्टम से चलना चाहिए। आज जो करेंसी की वैल्यू है वो धीरे धीरे, इंडिया को क्या आदत थी हर चीज़ अनसिस्टमेटिक, इनको पैसा दे दो उनको पैसा, अब धीरे धीरे ये 5 साल में सब चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी और इंशाल्लाह इंडिया विल बी द रॉकिंग रॉक। हमारा देश जो है, पासपोर्ट रखोगे आप ऑनरेबल वीज़ा होगा। नहीं वो देखिए वो एक अलग मसला है, ट्रिपल तलाक जो है वो एक इस्लामिक मसला है, और उस पर जो है जिन लोगों ने कंप्लेनें, हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आती है, हम प्रोड्यूसर रहेगा, हमारे पास कोई डायरेक्टर आएगा, हम पिक्चर देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऐसे लोग कंप्लेनें करी, कोई बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ज्यादती हो जाती है, व्हाट्सएप पे कोई तलाक दे रहा है ये दे रहा है, जबकि इस्लाम में है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों ने करा क्योंकि ज़्यादातर लोग कन्वर्ट होके बने तो उनको नॉलेज थी नहीं। अब वो जिनको नॉलेज नहीं है, अब अगर हमें मान लिए हम कहते हैं जब हम जय बोलेंगे तो सनातन धर्म की जय बोलेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए सनातन क्या है, उसी तरह से इस्लाम का बेस क्या है, उस पर काम चल रहा है, वो देश की गवर्नमेंट कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि हम लोग इंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, हमें अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है और समाज को अच्छा मैसेज देना है। एक आपने क्वेश्चन और किया था कि इसमें नया क्या है, उसका भी मैं आपको जवाब बता दूं। देखिए क्या है, जर्नी जो होती है, जर्नी जो होती है हमेशा एक ऐसी होती है कि जर्नी में हर आदमी टकराता है। जब आप अपने घर से जर्नी करके निकलते हैं एक अच्छे विचार की कि मुझे भाई उस बुलंदी पे जाना है, उस चोटी पे जाना है, और बुलंदियों पे पहुंचने के दो ही तरीके हैं, एक आपके पास पैसा है बहुत, हेलीकॉप्टर से जाइए और झंडा लगा दीजिए, दूसरा आप स्ट्रगल करके जाइए, जो स्ट्रगल करके जाते हैं वो बुलंदी का मज़ा ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रगल करके कमल गई है और वो उसका स्ट्रगल बहुत अच्छा है, ये 2-3 पार्ट में फिल्म जाएगी, एक पार्ट में फिल्म बन नहीं रही है, तो टू बी कंटिन्यू रहेगी, बस ये आशीर्वाद रहे, आप सबका प्यार रहे, हम लोग अच्छे तरह से इस फिल्म में कामयाब हो जाएं, आप सबकी दुआओं के साथ। मेन प्लेयरों में से एक प्लेयर हमारे एहसान खान साहब भी हैं,
जो इंस्पेक्टर भूप सिंह का कैरेक्टर कर रहे हैं, और एहसान भाई जो हैं उनको अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं। जागीर भाई हैं हमारे, इनको भी अपनी पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं, और हमारी मोहब्बत के साथ, हमारी दोस्ती के साथ आप लोगों के साथ हैं। सर भाई कुछ कहना चाहेंगे कमल को लेके, आपके किरदार को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके, जितने एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, क्योंकि हमारे भाई की फिल्म है, सिकंदर भाई हमारे बड़े भाई गार्जियन, जब भी वो काम करते हैं सबसे पहले याद करते हैं कि एहसान भाई करेंगे, वो प्यार है उनका, तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ उनके लिए जब भी आवाज़ आती है। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया मुझे, पुलिस ऑफिसर का, जो बहुत ही करप्टेड है, बहुत ही मतलब क्रिमिनल माइंडेड है, मतलब क्या कहेंगे उसको एक शब्द में, कि मतलब किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है, बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है उसके सर पे। मतलब सर जैसे आपको भोजपुर में एक विलन का कैरेक्टर देते थे, इस मूवी में भी एक पुलिस का कैरेक्टर विलन की तरह या फिर अलग है? नहीं नहीं विलन की तरह है, लेकिन करेक्टर अलग है, हर करेक्टर अलग अलग होता है, ये भी करेक्टर अलग है और फिल्मों से, मैंने अब तक जितना भी निभाया है जो रोल उससे अलग है ये। मेरे कैरेक्टर के बारे में तो सिकंदर भाई अगर कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ही नोज मोर अबाउट इट। मेरे पास अभी स्क्रिप्ट नहीं है ये, बट डेफिनेटली सिकंदर भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आई एम ऑलवेज विद हिम। मैं तो उन्होंने बुलाया एंड आई एम हियर, इट्स लाइक दैट। एक ऐसा रिश्ता है भाई के साथ कि पूछना नहीं होता है कि क्या रोल कर रहे हैं, जो भी देते हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आनंद सर क्या कहना चाहेंगे आज कमल के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, सिकंदर भाई की फिल्म शुरू हो रही है, ये तो काफ़ी वक्त से जो है सिकंदर भाई लगे हुए थे इस फिल्म के लिए, और बहुत कमाल की स्टोरी है जो उन्होंने खुद लिखी है, मुझे सुनाया जब इन्होंने तो मुझे वाकई बहुत पसंद आई, बस उम्मीद है कि वो अच्छी बने और आप लोगों तक पहुँचे। बड़ा अच्छा गाना है जो आपने, रोमांटिक पोएट्री, एक रोमांटिक गाना है जो मैंने लिखा है इस फिल्म में, बड़ा खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है, देखिए बहुत जल्दी उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, सिकंदर भाई ने पसंद किया। वही रिकॉर्डिंग आप अपने बारे में? मैं अजीम शिराजी हूँ और मैंने कुछ गाने लिखे हैं बॉलीवुड में, कभी जो बादल बरसे मेरा एक गाना है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे, 1920 के गाने मैंने लिखे थे, 1920 लंदन के लिखे थे, अभी बागी 3 वगैरह के भी मैं गाने लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत गाना ये है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आज मुबारकबाद देने के लिए सिकंदर भाई को, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत कमाल की बनाएंगे, क्योंकि जिस शिद्दत और जुनून से लगे हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100% बहुत कमाल बनेगी। गाने जो भी इन्होंने जो गाने लिखे रोमांटिक गाना एक मैंने लिखा है कि तुझको नज़र में भर रखा है, आधा काम तो कर रखा है, आधा इश्क तू ले आना, आधा मैंने कर रखा है। क्या बात, बड़ी बात। सर मैं अनस खान, टेलीविज़न का एक्टर, ये हमारे भाई है, सो इनकी फिल्म कमल जैसे आप पोस्टर में देख सकते हैं भाई हमारे एकदम छाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिल्म अपनी अच्छी बने और लोगों को पसंद आए, सो पहला स्टेप ले लिया है, अभी लंबा सफ़र है, सो इंशाल्लाह वो भी कवर अप होगा। डायरेक्टर हमारे आज एकदम पिंक सूट में हैंडसम लग रहे हैं, और अनस ही इज प्लेइंग अ मेन लीड हीरो इंशाल्लाह इन माय मूवी। ऑलरेडी 2 फिल्में इनकी और फ्लोर पे हैं, 3 फिल्म कमल हो जाएगी जी, इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा। इनको 2 महीने का टाइम दिया है वेट कम करने के लिए, वेट ऑलरेडी कम है, इनको चाहिए कि मैं बिल्कुल ही लिए ख़त्म हो जाऊँ, तो फिर मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। जी मेरा इस मूवी में सेकेंड लीड रोल है, मेरे कैरेक्टर का नाम है टीना, एंड ये एक पूरी मॉडल लड़की है जो एक मॉडल है, और कमल की वजह से इसमें थोड़ी अनबन हो जाती है। तो दिशी पहला प्रोजेक्ट है आपका या पहला मेरा पहला प्रोजेक्ट है? और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या क्या इससे पहले कुछ? मैं एक मॉडल हूँ, मैंने बहुत सारे रैंप शोज किए हैं, एंड मैं, ये मेरी बहन है, एंड मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी में जुड़ने से, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं प्रे करूँगी कि हिट हो जाए। आर यू फ्रॉम मुंबई? या आई एम फ्रॉम मुंबई।
टीना और मीना 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 आप मीना ही नाम है दूसरा कुछ नाम नहीं टीना नाम बता मैम इंट्रोडक्शन है माय नेम इज ताहत सिंह एंड इन दिस मूवी आई एम डूइंग अ सॉन्ग मनाली ट्रांस जिसके कॉपीराइट्स लिए गए हैं सो या आई एम द मेन लीड डांसर फॉर दैट सॉन्ग एंड फॉर मोर अबाउट मी दैट आई एम अ मॉडल टू आई एम अ प्रोफेशनल डांसर I have represented India a lot of time in international pageants, so I have a title of Miss Teen Globe India 2019, and yes, that's all about me. Coming back to the movie, so the movie have a really beautiful story, and it is a new concept about the struggle of a girl and how she goes from a totally ruler girl to an amazing model where even the established models have been terrified about her presence so it's a pleasure to be a part of this movie and representing my talent over here so yes it's gonna be an amazing movie I hope it's a hit thank you जी ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये वुमेंस के ऊपर है कि कैसे उनको एम्पावरमेंट किया जाए और मेरा नाम इशाइना कौर है और मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ आप बताइए जोर से बोलिए इंट्रोडक्शन दीजिए हाय माय सेल्फ हरदीप कौर सो मेरा एक पार्टी सॉन्ग है इसमें जो मैं एज अ मेन लीड में डांस कर रही हूँ इस फिल्म में And I'm very happy to be a part of this film. And इसमें ये है कि एक जो स्टोरी है जो हम बता रहे हैं कमल की जो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए है कि कैसे आजकल के मॉडर्न शहर में भी आजकल लड़कियां सेफ नहीं हैं तो हम वो दिखाएंगे कमल कैसे कीचड़ से निकल के कैसे वो एक सक्सेसफुल बनती है तो उस पर एक स्टोरी है थैंक यू मैम यू बीइंग द यंगेस्ट फर्स्ट मैम आपके बारे में बताइए प्लीज हेलो मेरा नाम आस्था है आस्था आस्था तो मैं भी इस फिल्म से जुड़ी हूँ एक वुमेंस के लिए है फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका ये हाँ जी सही ना अपने बारे में बता दिया आपने ये कहानी जो कमल की कहानी है उसके बारे में क्या बताया गया है आपको और कितनी तैयारी आप कर रही हैं और कैसे खेलेंगे किचन में जी ये कहानी बहुत ही अच्छी है और ये एक लड़की के ऊपर है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था वो कहाँ से आदिवासियों के उधर से आती है और यहाँ के लोग उसे कैसे लूटने की कोशिश करते हैं उसको उसके ऊपर है और उसका भोलापन उसमें दिखेगा पर फिर भी इन सब कीचड़ के लोगों के बीच में भी वो खिलती है वो अपना भोलापन अपनी मासूमियत नहीं छोड़ती है जैसे कमल होता है कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है जबकि वो कीचड़ में खिलता है और उसके ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं खिलती वो सबसे निर्लेप रहती है ये उसके ऊपर कहानी कोई विशेष तैयारी इस कैरेक्टर को लेके किरदार को लेके और आशाएं अपेक्षाएं आपने जुड़ी हैं इस किरदार से इस कहानी में लाइक बहुत सारे शेड हैं एक तो एंगर है उस लेवल का और एक मासूमियत है जैसे एक छोटे बच्चे की मासूमियत होती है उस लेवल की तो इसमें लड़की के हर रूप को दिखाया जाए मैडम आप बताएं अपने किरदार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और कितनी तैयारी मेरा इसमें मैं फिल्म में पार्टी सॉन्ग है जो मैं कर रही हूँ एज अ मेनली तो मैं आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे इसमें डांस भी करने को मिल रहा है एक्ट भी करने को मिल रहा है डांस के साथ साथ यू नो एक्सप्रेशंस तो मुझे एक्टिंग का डांस का तो वैसे ही बहुत शौक है तो मैं तो बहुत खुश हूँ एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा मुझे प्रोजेक्ट मिला या आई एम वेरी हैप्पी चर्चा आज हम इसी पर करते हैं किस प्रकार का होगा ड्रेस इसमें कमल में हालांकि वो कीचड़ में है कुछ ड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है आपको नहीं ऑब्वियसली करना पड़ेगा किसर में है किसर में पहनने के लिए भी कॉस्ट्यूम ऑब्वियसली किसर में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं पानी में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं धूप में खेलने के लिए भी होते हैं बारिश में खेलने के लिए भी होते हैं हर चीज़ के लिए कॉस्ट्यूम तो होते ही है बिना कॉस्ट्यूम के मूवी नहीं बनेंगे कॉस्ट्यूम से ही बनेंगे और पूछिए और क्या पूछना है आप लोगों को इस मूवी में या एक्चुअली ये मूवी में आई एम मेकअप आर्टिस्ट
और काफ़ी लुक जो रहेंगे एज ए मॉडल, एज ए हीरोइन, एज ए लीड रोल, तो वो अलग अलग क्या हमको कॉन्सेप्ट देने का है, तो उसके बारे में जैसे जैसे मूवी में सब लोग आगे बढ़ेंगे, जो जो रोल मिलता जाएगा अकॉर्डिंग टू सूट हम लोग मेकअप में आगे बढ़ते जाएंगे। हमसे आप लोगों को लग जाएगा हमें कीचड़ में खुलता है, तो इस फिल्म को मिर्जा साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये रेहान साहब डायरेक्टर हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए, थैंक यू। कमल फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन अभी मैं ऑन बोर्ड आया हूँ, अभी स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सुनी है, अभी काम सारे स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी जैसे गाने शेप अप होकर आते हैं तो आपके सामने आएंगे। जावेद भाई का ये पहला गाना है तो हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं इस गाने से, लेकिन इसके अलावा अभी सिंगर का सिलेक्शन हुआ नहीं है कि कौन कौन से होंगे, ये 5-6 गाने होंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे और फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जाने माने सिंगर, सारे इस फिल्म के अंदर होंगे। आज का गाना कवाली बेस्ड है, अभी अंदर प्रोसेस है, बन रहा है गाना, एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, ये कवाली सॉन्ग है, ये मैंने कंपोज एक्चुअली नहीं किया, ये दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका गाना है, मेरे जो गाने हैं वो दूसरे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। कमल फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत इसका वो है और इंडस्ट्री में कुछ करेगा इस फिल्म में। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर सिकंदर जी, मिर्जा जी बहुत कुछ इसमें कर रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, बधाई हो, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली ये जो अमर सिंह का रोल है, ये कैसा है कि एक गांव का लड़का दिखाया हूँ मैं, जो कि शहर गया हुआ होता है, जब वो वापस आता है गांव वापस, तो उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि रसीली है। फिर जो हमारे जो नेगेटिव्स रोल कर रहे हैं नंबरदार जी, उनसे आगे फाइट्स है, काफ़ी रोमांटिक सीन्स है, रोमांटिक्स रोल है मेरा उसमें, अच्छा है। और इट्स मूवी वेरी नाइस, इट्स अ डार्क मूवी बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसकी। हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सिकंदर हसन मिर्ज़ा, उनके साथ मैंने और इससे पहले भी काम किया था, कहीं देर ना हो जाए मैं 100+ एपिसोड किए थे, प्लस शॉर्ट्स मूवीज एंड यू नो। इस फिल्म का गाना है आँखों में, काफ़ी मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रहे, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं जो कोशिश की जा रही है कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे तरह से बनाएं, और बस यही कहना चाहूँगा पिक्चर अच्छी जाए, बहुत बहुत गाने काफ़ी अच्छे हैं, अभी बता नहीं सकता उनके बारे में।